अब आपको नहीं पीना पड़ेगा मिलावटी दूध, आप भी पकड़ सकेंगे आपके दूध से की गई छेड़छाड़। नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रिंस पीडिया और हमारी रिपोर्ट देखने से पहले कृपया लाल बटन दबाकर प्रिंस पीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप अपने दूधिये द्वारा दूध में की गई मिलावट से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्ट्रिप को लॉन्च किया है जिससे एक साधारण व्यक्ति भी अपने घर में आ रहे दूध की गुणवत्ता चेक कर सकता है। अक्सर दूध में मिलावट की शिकायत होती है, परंतु आपके पास कोई सस्ता साधन नहीं होता जिससे आप यह साबित कर सकें कि दूध में कितनी मिलावट है। आज मिल्क डे पर करनाल स्थित NDRI में इस स्ट्रिप को प्राइवेट कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसकी कीमत महज 13 रुपये है और इसे दूध में डालते ही स्ट्रिप आपको आपके दूध की हेल्थ के बारे में पूरी रिपोर्ट दे देगी। NDRI निदेशक डॉक्टर RRB सिंह ने बताया कि आज पूरे विश्व का 18% दूध हिंदुस्तान पैदा करता है और इस स्ट्रिप से मिलावट को रोकने में काफ़ी सहायता मिलेगी। स्ट्रिप्स हैं, इसमें ये स्ट्रिप है जिसमें माल्टोडेक्सिन की मिलावट नहीं है। ये तीनों स्ट्रिप्स हैं जिसमें माल्टोडेक्सिन का जो दूध दिन आज हमने अपनी एक टेक्नोलॉजी रिलीज की है, वो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, फॉर्मर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी एंटरप्राइज अपनी सेटअप कंपनी रजिस्टर करी है और एक एंटरप्राइज सेटअप करने की दिशा में पहला कदम है उनका। उन्होंने माल्टोडेक्सिन को कैसे मिल्क में, दूध में एडल्ट्रेंट के रूप में जांच की जा सके, इसके लिए एक क्विक मेथड ईजाद किया था हमने, उसको इन्होंने लिया है हमसे और उसको लॉन्च किया है और इंडस्ट्री तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से जांच करता है सर? ये एक एंजाइम बेस्ड टेक्निक है जिसमें एक पतली सी स्ट्रिप होती है, उसको दूध में डुबाकर कुछ ही मिनटों में इसकी जांच की जा सकती है। अब मतलब पता लगाया जा सकता है कितना परसेंट इसमें डलते हैं। तो NDRI ने इसकी NDRI ने इसको ईजाद किया था और इस टेक्नोलॉजी को हमने इनको सेल किया है और हमारे यहाँ बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट है जहाँ पे यह बना करके इसको मार्केटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारे बीच हमारे फैसिलिटी पे इसका यूज करेंगे अगले कुछ महीनों तक। और एक बार ये कॉन्फिडेंट हो गए कि ये टेक्नोलॉजी चल जाएगी और इंडस्ट्री इसको एक्सेप्ट कर लेती है, फिर इसको बाहर अपनी ओन एंटरप्राइज ये सेटअप करेंगे जहाँ ये खुद बनाएंगे और खुद मार्केटिंग करेंगे।